अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अमन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। सो गाइज, इफ़ यू आर के पॉप स्टैन, BTS लवर, BTS आर्मी जस्ट लाइक मी, तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हो तो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो। अभी जो है हम बुर्जुमान मॉल एंटर हो चुके हैं और हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। दुबई में सबसे बड़ा मसला है पार्किंग ढूंढना, चाहे वो मॉल्स में हो या आउटडोर हो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एंजॉय करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। कार पार्क करने के बाद जो है अब हम लोग जा रहे हैं Level 1 की तरफ। और मैंने बुर्जुमान मॉल का एक डिटेल ब्लॉग शेयर किया हुआ है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी। उस लिंक को ओपन करने के बाद आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। पहले मैं जा रही हूँ जिडानो पे, इनकी एक ऑनलाइन सेल चल रही थी तो मैंने वहाँ से एक शर्ट बाय की थी, और वो शर्ट जो है वो डिलीवर हो चुकी है। इनकी होम डिलीवरी ऑप्शन भी थी बट मैंने मॉल में आना था, सो आई थॉट कि मैं खुद ही पिकअप कर लूँगी और साइज़ भी चेक कर लूँगी। If you want to buy something, आप जाके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप उसको बाय कर लें और होम डिलीवरी करवा लें, इट्स टोटली अप टू यू। अब जो है मैंने शर्ट ले ली है, अब हम चलते हैं बाहर। मिडल ईस्ट का फर्स्ट BTS स्टोर जो है UAE दुबई बुर्जुमान मॉल में ओपन हुआ है, स्पेस ऑफ BTS। इस स्टोर को ओपन हुए 1 मंथ हो चुका है और ये परमानेंट ओपन नहीं हुआ है, ये December 6 या 9 तक ओपन है, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप UAE में हैं, आपको ये स्टोर विज़िट करना है, या कोई आपका UAE में रहता है, आपने यहाँ से कुछ मंगवाना है, तो आपको जल्दी करनी होगी क्योंकि एज आई मैंशनड इट बिफोर कि ये जो है स्टोर फिर क्लोज़ हो जाएगा। मैं फूड कोर्ट में आई थी कुछ खाने के लिए, बट जो मुझे खाना था वो यहाँ पे नहीं था, तो मैंने सोचा चले बाहर से खा लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हर जगह मुझे BTS ही नज़र आ रहा था। यू गाइस कांट इवन इमेजिन के इस स्टोर पे आने के लिए मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। आर्मीज, आई नो यू कैन फील मी राइट नाउ। ING LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ING Just ING 내 맘은 아직 ING
मॉल जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका था, तो अब हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाना खाने के लिए। तो जब हम लोग एग्जिट से बाहर आए तो मैंने देखा हर जगह लाइट्स 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 हुई पड़ी थी, तो मुझे याद आया कि मंडे को यहाँ पे जो है दिवाली है। सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल माय इंडियन फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर हु आर वाचिंग मी राइट नाउ। दुबई में ऑलमोस्ट हर नेशनैलिटी के लोग होते हैं, तो सब लोग अपने अपने इवेंट्स को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, शबरात हो, दिवाली हो, दशहरा हो या क्रिसमस हो। तो कुछ खाने के लिए डिसाइडेड हुआ था हार्डीज़, जो कि मुझे मॉल में नहीं मिला था, इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए हैं हार्डीज़ खाने। तो अपना ऑर्डर देके मैं आउटसाइड आ गई हूँ, जहाँ पे आउटसाइड सीटिंग होती है मुझे वहाँ पे बैठ के खाना ज़्यादा अच्छा लगता है रदर देन अंदर बैठ के खाऊं, क्योंकि बाहर का व्यू बहुत ज़बरदस्त लगता है बाहर बैठ के अगर आप खाना खाएं। ये हमारे बर्गर्स आ गए हैं और इधर एक कैट बैठी हुई थी जिसको शदीद नींद आ रही थी। मैं इसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी कि भाई तुझे नींद आ गई है तो तू सो जा। अच्छा, आपको मैं यहाँ के जो कैट्स हैं इनके बारे में बता दूँ कि पाकिस्तान में जो है हम कैट को ऐसे छिछ करते हैं तो वो भाग जाती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप इसको ऐसे छिछ अपने से दूर भगाने की कोशिश करोगे तो उल्टा ही आपके पाँव में आ जाएगी, आपके पाँव में बिल्कुल जैसे लिपटने लग जाती है। अच्छा, इसके बाद मैंने अपने बर्गर में से फिले निकाल के इसको दिया तो ये बड़े मज़े से खाने लग गई। अच्छा, तो वो खाने के बाद ये दोबारा तरसा हुआ मुंह लेके मुझे देखने लग गई। मैं दोबारा इसको देने के लिए ऐसे साथ में वीडियो भी बना रही थी कि मैं वीडियो कैप्चर कर लूँ, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला मैं इसको बुला रही हूँ, तो नीचे से एक और कैट आ गई और वो भी इतने बुरी तरह से मैं डरी, आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं हिल गई थी पूरी। तो ये जनाब साहब आके मेरे हाथ से गिर गया और इसने खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा उसको सेंड नहीं किया, उसको दोबारा एक और फिले दिया, इसने जाके वो भी खा लिया। अच्छा, यहाँ की जो कैट्स हैं वो आपसे डरती नहीं हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो है बेचारियों को इतनी मार पड़ती है, चलते फिरते कोई ना कोई इनको मारता रहता है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं मार सकते कैट्स को, यहाँ पे इनका राज चलता है। और इधर जो है बेचारी फुल सो चुकी थी, मुझे ये इतनी क्यूट लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं इसको घर ले जाऊं, लेकिन नहीं, मैंने अपने जज्बातों पे काबू रखा। अच्छा जी, तो आज का ब्लॉग जो है यहाँ पे ही मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं @shahzad के नाम से। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।